नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नेगी जी क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के बारे में 12 ऐसी बातें जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, और यकीन मानिए इन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर जानते हैं क्या हैं वो 12 बातें जो आपको हैरान कर सकती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 3 जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पौड़ी भारत में लिंगानुपात के अनुसार शीर्ष 10 जिलों में अपना स्थान बना चुके हैं। वैसे ये सुनकर हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं और पुरुषों से समान व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये सुनकर शायद आपको बहुत ही गर्व होगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा उत्तराखंड और देश के पहले ऐसी व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे और इन्हें 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और ये भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा ऑफिसर उत्तराखंड से ही आते हैं। पॉइंट नंबर 3, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कभी ये रिकॉर्ड हुआ करता था कि देहरादून में स्थित FRI दुनिया की सबसे बड़ी शुद्ध ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग हुआ करती थी। तो अगली बार जब भी आप FRI जाएं, तो ये बात जरूर याद रखें। पॉइंट नंबर 4, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कसार देवी का मंदिर, और ये मंदिर भारत में एकमात्र और दुनिया में तीसरा ऐसा स्थान है जहां पर एक खास चुंबकीय शक्ति है। इसके अलावा ये चुंबकीय शक्ति इंग्लैंड के स्टोन हैंक्स और पेरू के माचू पेचू में है। है ना ये हैरान करने वाली बात। पॉइंट नंबर 5, वैसे तो पांडवों के साक्ष्य उत्तराखंड में लगभग हर जिले में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कौरवों का इतिहास हमें सिर्फ महाभारत में ही मिलता है। लेकिन हम आपको बताते हैं उत्तराखंड में कौरवों से जुड़ी एक कड़ी के बारे में। सुनने में यह आपको बहुत ही अजीब लगे, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान है जहां पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी जिले के ओसला गांव में दुर्योधन का एक मंदिर है, और यहां पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। यहां पर आज भी दुर्योधन की सोने की परत चढ़ी डांगरी की पूजा होती है। पॉइंट नंबर 6, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी में 1965 में रेडियो एक्टिव पदार्थ प्लूटोनियम की 7 कैप्सूल कहीं ग्लेशियर में गायब हो गई थी। इन कैप्सूल का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है, और माना जाता है कि ये कैप्सूल 200 साल तक एक्टिव रह सकती हैं। पॉइंट नंबर 7, चंपावत में एक ऐसी बागिन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है जिसने इस क्षेत्र के 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ दोस्तों, और बाद में पर्यावरणविद और शिकारी जिम कॉर्बेट ने इस बाघिन को मारकर भारत और नेपाल के लोगों को इससे निजात दिलाई थी। ये वही जिम कॉर्बेट हैं जिनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि उत्तराखंड में एक ऐसा शोध संस्थान है जो कि खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडल विज्ञान के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। नैनीताल से 9 किलोमीटर की दूरी पर मनोरा पीक पर स्थित है एरीज, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, जिसे शॉर्टकट में एरीज कहा जाता है। पॉइंट नंबर 9, उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है। जी हां साथियों, जहां आज संस्कृत विलुप्ति की कगार पर है, वहीं उत्तराखंड राज्य ने इसे अपनी द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 10, आपको ये जानकर बहुत ही गर्व होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के नाकुरी गांव, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, यहां की निवासी हैं बिछेंद्री पाल, और इन्होंने 23 मई 1984 को अपनी 17 सदस्यीय टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया था, और ये ऐसा करने वाली पहली भारत की महिला थी। पॉइंट नंबर 11, नंदा देवी राजजात यात्रा एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, और ये यात्रा 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। 20 दिनों की इस यात्रा में 280 किलोमीटर का सफर तय होता है।
पॉइंट नंबर 12, मसूरी में हर साल नवंबर से दिसंबर माह के बीच देहरादून की तरफ देखने पर एक पीली लाइन दिखाई देती है, इसे कहते हैं विंटर लाइन। और ये घटना पूरी दुनिया में केवल दो ही जगह पर होती है, एक स्विट्जरलैंड में और दूसरा मसूरी में। इस विंटर लाइन को देखने के लिए यहाँ पर देश और विदेश से सैलानी और वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं। तो ये थी उत्तराखंड के बारे में वो 12 बातें जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। उत्तराखंड के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। ऐसे ही फैक्ट्स और रोचक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।